उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले आज जनपद झांसी के ग्राम केशोरपुरा में किसान कांग्रेस की किसान पंचायत हुई, जिसमें समस्याओं को लेकर किसान खूब गर्जे, जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए जमकर नारेबाजी की। एक सुर में पंचायत में कहा गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो 2019 में खरीफ फसल बीमा का प्रीमियम जमा करने गए थे, जिसमें आज तक बीमा क्लेम नहीं मिला। ज्वलंत समस्या बताते हुए ग्रामीणों ने कहा कि इस मुसीबत के समय में हमारा बीमा क्लेम सरकार द्वारा नहीं मिला, बहुत दुखद। किसान बड़ी मेहनत से हार तोड़ मेहनत करके अन्न पैदा करता है, अपनी फसल को नुकसान को बचाने के लिए किसान बीमा प्रीमियम जमा करता है, लेकिन दुर्भाग्य है सरकार का, इन अधिकारियों का, जिन्होंने हमारा बीमा क्लेम हड़प लिया है। दादाजी, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। क्या समस्या है आपकी? किसान बीमा नहीं मिला है 2019 का, तहसील कई बार हुआ है, बैंक के चक्कर काटते रहते हैं, इस साल का भी नहीं मिला है, इस साल भी नुकसान हुआ है फसल में। क्या कहते हैं अधिकारी? खेती अधिकारी कहते हैं आ जाएगा आ जाएगा। दादाजी, क्या नाम है आपका और किस गांव के रहने वाले हैं, क्या समस्या? जी, कन्या नाम है हमारा, ग्राम किशोरपुरा के रहने वाले हैं। बैंक है हमारी देवन, हमारा सन 19 से कोई बीमा नहीं आया है। बैंक जाते हैं, कहते हैं आधार कार्ड दो, कॉपी दो, फोटो दे दो, 10 बार दे चुके हम, कोई बीमा नहीं आया। क्या चाहते हैं आप लोग? जैसा आते सब बीमा मिल जाए, सब कुछ आ गया, हमारा नहीं आया है। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है, बताइए। हाँ, बिजलाल नाम है और मैं किशोरपुरा का हूँ और पंजाब नेशनल बैंक रेवन में मेरा खाता है, और 2018 के बाद कोई बीमा नहीं आया है। कई बार एप्लीकेशन, कई बार आधार कार्ड जमा कर चुका है बैंक मैनेजर, और कहते हैं कि वो किस्त कट गई, किस्त हर बार कटती है प्रीमियम की, लेकिन बीमा नहीं आ रहा है। कई बार मैं एप्लीकेशन भी दे आया हूँ वहाँ पर और बीमा नहीं आ रहा है, और ना भी अति ओलावृष्टि वाले पैसे आए अभी तक, कुछ लोगों के ना अभी तक आना है, वो कहते हैं जिसके आ चुके आ गए, जिसके नहीं आए नहीं आना है।